वहीं जशपुर से बड़ी खबर है, शराब के नशे में धुत शिक्षिका पर कार्रवाई हुई है। बीईओ ने शराबी शिक्षिका पर कार्रवाई की है। शिक्षिका को किया गया पुलिस के हवाले। शराब के नशे में बच्चों को पढ़ाने जाती है शिक्षिका। बीईओ ने निरीक्षण के दौरान कार्रवाई की है। कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई के साथ यहाँ पर गलत किया जा रहा था, और शराब के नशे में अगर कोई शिक्षिका पढ़ाने पहुंचेगी तो बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। तो अब इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस में शिकायत की गई थी और बीईओ ने की शराबी शिक्षिका पर कार्रवाई। शिक्षिका को पुलिस के हवाले इसके बाद कर दिया गया है। शराब के नशे में बच्चों को शिक्षिका पढ़ाने जाती थी और बीईओ ने निरीक्षण के दौरान ये कार्रवाई की है। जो शिकायत थी वो सही पाई गई, इसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। शिक्षिका को पुलिस के हवाले कर दिया गया है फिलहाल, क्योंकि अगर कोई शिक्षिका शराब के नशे में जाकर बच्चों को पढ़ाएगी तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। योगेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। योगेश, क्या अक्सर ये शराब के नशे में आती थी, किस तरह की शिकायत की गई थी शिक्षिका को लेकर? जी आपको मैं बताऊं कि इन दिनों जशपुर का शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में है और लगातार शिक्षा विभाग में इस प्रकार के मामले आ रहे हैं। और ये जो ताजा मामला आया है यह जशपुर से लगे एक स्कूल का है, टिकैतगंज स्कूल का, और जहां ये जो महिला शिक्षिका है यह अक्सर शराब के नशे में आया करती थी। और हालांकि बच्चों को यह पढ़ाती थी, लेकिन शराब के नशे में होने के कारण कई बार बच्चे यूं ही खेलते रहते थे और शिक्षा व्यवस्था चरमराई भी रहती थी। तो लिहाजा गांव के लोगों ने शिकायत की इसकी, तो बीओ खुद यहां पर निरीक्षण के लिए पहुंचे और उन्होंने जब पूरा वाकया देखा तो वो अचंभित रह गए और फिर तत्काल उन्होंने महिला पुलिस बल को बुलवाया और शिक्षिका का मेडिकल परीक्षण कराकर तत्काल उस पर कार्रवाई की है। जी, क्या आगे कार्रवाई हो सकती है शिक्षिका को, ताकि एक सबक और लोगों को भी मिले जो इस तरह की लापरवाही करते हैं? बिल्कुल, शिक्षिका पर जो है सिविल सेवा आचरण संहिता के उल्लंघन का आरोप है और जो एक दायरा होता है और शिक्षक का, उसको इन्होंने पार किया है और नशे की हालत में शैक्षणिक कार्य बिल्कुल प्रतिबंधित है। इस प्रकार के मामले में जो है निलंबन की कार्रवाई बीओ कर रहे हैं। जी शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। उज्जैन से बड़ी खबर है, रिश्वत लेते पटवारी नितिन खत्री गिरफ्तार हुआ है। लोकायुक्त ने 12,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जमीन के नामांतरण और नप्ती के लिए मांगी गई थी रिश्वत, पटवारी ने 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रिश्वत का ये बड़ा मामला सामने आया है। लोकायुक्त ने 12,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जो जानकारी मिल रही है। जमीन के नामांतरण और नप्ती के लिए ये पैसे मांगे गए थे, पटवारी ने 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत लेते पटवारी पकड़ा गया है, बड़ी खबर इस वक्त आपको हम ये बता रहे हैं। जमीन के नामांतरण और नप्ती के लिए पैसों की मांग की गई थी, रंगे हाथों ये गिरफ्तारी हुई है। उज्जैन से ये बड़ी खबर सामने आई है, लोकायुक्त ने 12,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। 15,000 रुपए की इसमें डिमांड की गई थी। तो अभी भी जो भ्रष्टाचार है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो रहा है, कई जगह पर इस तरह की चीजें लगातार हो रही हैं, उन पर गौर करने की जरूरत है। जब तक ये मामले इस तरह से खत्म नहीं होंगे, भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं पनपता रहेगा।